तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन और आज हम बात करने वाले उर्मिला के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा, कुछ महीनों पहले उर्मिला के साथ एक बहुत बुरा हादसा हो गया था। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूं, उर्मिला एक दिन सोफा पे बैठने जाती है, वो हाथ में लेती है टीवी का रिमोट और वो टीवी देखने लगती है। टीवी देखते देखते वो एक केला भी खा रही होती है और उसी वक्त अचानक से दरवाजे की बेल बज जाती है और वो दरवाजे की ओर चलने लगती है और फिर अचानक से उसकी मौत हो जाती है। ये आखिर हुआ कैसे? आज 11 महीने हो गए इस चीज को और अब तक खूनी का कोई भी अता पता नहीं है। अगर आपको इस केस से रिलेटेड कोई भी जानकारी मिले तो मुझे नीचे कमेंट्स में। हेलो सर, मुझे आपकी जरूरत है। गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है सर। आई नो गड़बड़ है, इसीलिए तो आपको बुलाया है। कब से मैं केस सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, मुझसे हो ही नहीं रहा। हो जाएगी सॉल्व केस, देखते हैं। बॉडी के आसपास कुछ मिला? हाँ सर, ये केला मिला बॉडी के आसपास। केला मिला, वो भी आधा खाया हुआ। ग्लास ला। ग्लास एक सेकंड, किचन में। मिथिलेश पाटनकर। हाँ सर। जब देखो अकल से दुश्मनी लेते हो। सर ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए मुझे, पानी का ग्लास नहीं। सॉरी सर, मेरा फर्स्ट टाइम है ना, थोड़ा नर्वस हूं, सॉरी। कुछ नहीं, केसॉल किसी ने केले में जहर डाला और उर्मिला को खाने के लिए दिया। सर नहीं, मेरा भी ये पहले डाउट था, तो इसलिए मैंने ना इस केले को पोस्टमार्टम को भेजा था, तो केला बेकसूर निकला सर। केले को पोस्टमार्टम के लिए भेजा? हाँ सर। और केला बेकसूर निकला? यस। वाह रे वाह मिथिलेश पाटनकर, फिर से अकल से दुश्मनी। पाटनकर, तुमने बताया कि उर्मिला जब केला खा रही थी उस वक्त किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। यस सर। तो उर्मिला वैसे ही केला खाते खाते गई, उसने दरवाजा खोला। यस सर। दरवाजे पर कौन आया था? वो बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड था। वो बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड, मतलब उर्मिला उसे जानती होगी? हाँ सर, वो तो हमेशा का है। अच्छा, तो हुआ ये होगा कि सिक्योरिटी गार्ड कुछ पेपर्स पर सिग्नेचर लेने के लिए आया होगा, उसके पास पेन नहीं था, तो उसने उर्मिला मैडम को कहा होगा कि मैडम प्लीज हमें पेन दीजिए। मैडम अंदर चली आई और जैसे ही उर्मिला मैडम अंदर चली आई, गार्ड ने अपना काम फतेह कर लिया, उर्मिला का खून कर दिया। सर मेरे को लगा ही था आप उस बेचारे पे डाउट करोगे, इसलिए मैंने उसको लाया है। ठाकुर इधर आ जा। कुछ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अरे मैं तेरे को पहले बोला था, तू टेंशन मत ले। ये क्या, इसकी तो शक्ल पे ही लिखा है खूनी। सर नहीं सर, वो बेचारे का बर्थमार्क है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है, वो डिजाइन है उसका और कुछ नहीं। बर्थमार्क है? हाँ सर। तो इसका डीएनए चेक करना पड़ेगा, हो सकता है इसके पुरखों में कोई खूनी होगा। सर नहीं तो ऐसे कैसे होगा। खैर फिलहाल इसके फिंगरप्रिंट्स ले लो। सर इसके एक्चुअली फिंगरप्रिंट्स ले नहीं सकते क्योंकि बेचारे के हाथ ही नहीं है। My God. दोनों हाथ नहीं है सर बेचारे के। मतलब ये ठाकुर शोले के ठाकुर हैं? सर जाओ। क्या सर, सेल्फी लेना इसको आपके साथ एक। क्या, मैं तेरे को बोला था सर चिल्लाएंगे। हाँ सर, एक ही सेल्फी से 2 सेकंड लगेंगे, फिर केस पे वापस जाएंगे।
इंदिरा जल्दी आ जा यार, बीच में सर को बहुत काम होता है। जा अपने गब्बर को ढूंढो। लेना ठाकुर सर ये कुछ नहीं करेगा, मुझे मालूम है। ये सिक्योरिटी गार्ड है। हाँ सर। चलो क्या करे सर फिर इसका, ये कब से केस सॉल्व की कोशिश कर हो ही नहीं रहा, इसलिए तो आपको बुलाया, आपसे भी नहीं हो रहा। पटनकर एक बात बताओ। हाँ। क्या उर्मिला के गले पर तुम्हें कोई निशान मिले गला घोंटने के? नहीं सर बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। नाक की हड्डी ठीक थी, कोई इंजरी वगैरह? मैं रिपोर्ट में तो सब कुछ क्लीन आया था सर, वही तो समझ नहीं रहा कि कैसे हुआ। अच्छा मुंह खोल के देखा उसे? हाँ मतलब केला ऑब्वियसली खा रहा, तो वो केले के थोड़े थोड़े पार्टिकल्स। क्या चल रहा है इधर, किसकी बॉडी है ये? चुप, ये उर्मिला का भूत है, है? ये उर्मिला है दिनेश पाटनकर। सर सॉरी सर, मैंने प्रैंक कर रहा था सर आपके साथ बस, तो प्रैंक, छोटा सा प्रैंक। मेरे साथ सर, प्रैंक किया तुमने? सर हाँ ये देखो कैमरा से, यहाँ पे प्रैंक कर रहा था। अच्छा तो पाटनकर इस प्रैंक के लिए मैं तुम्हें 10 साल की फांसी देता हूं, 10 साल। हाथ आगे करो। सर आई वाज जोकिंग सर, मैं इनोसेंट हूँ। सब यही कहते हैं मैं इनोसेंट हूँ। सर मैं सच्ची इनोसेंट हूँ, मुझे बस आपके साथ कुछ गेम्स खेलने थे सर। गेम्स मेरे साथ? हाँ सर गेम्स। और सर वो गेम्स के लिए ना मैं आपको एक बहुत मस्त सारा सरप्राइज भी देने वाला था। अच्छा बहुत कुछ तो मस्त बने आपके लिए सरप्राइज। चलो सर खेलेंगे गेम्स। हाँ हाँ आप रेडी हो? हाँ बिल्कुल। तो फिर ये खोल दो ना अभी चाबी। नहीं गेम खेलो पहले। ठीक है सर कोई बात, चाबी मेरे पास। बस एक चीज था सर, ये बल्ब में लगाना भूल गया, तो वो आप जरा लगा के दे सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक यू सर। तो सबसे पहला गेम हम लोग खेलने वाले हैं सर, गेस द आई चैलेंज। ये आपके सामने हमारे बहुत बड़े गुरुजी है यूट्यूब के, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंख असली आंख है उनका। क्या नाम है इनका? इनका नाम सर टेक्निकल गुरुजी है। टेक्निकल गुरुजी? हाँ सर, मतलब वो लाइक उनको गैजेट्स वगैरह बहुत पसंद है। अरे तो फिर डोरेमोन को भी तो गैजेट से प्यार है। हाँ सर। एक मिनट, तो क्या इसका मतलब है ये तुम्हारे टेक्निकल गुरुजी ही डोरेमोन है? तो चलिए शुरू करते हैं। सर आपको क्या लगता है इनमें से विच इज द करेक्ट ऑप्शन? अरे आसान है, ऑप्शन बी। अरे सर कॉन्ग्रेट्स, पहला वाला आपका करेक्ट आ गया। ये देखो सर हमारे टेक्निकल गुरुजी, प्लीज आके मुझे मारो मत। तो चलिए शुरू करते हैं। साइनो सर ये वाला जो गेम था वो बहुत इजी था, आप पास हो गए हो इसमें। अच्छा। लेकिन अगला वाला जो गेम है इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट सर। अगला चैलेंज इज सर स्पॉट द डिफरेंस चैलेंज। स्पॉट द डिफरेंस? यस सर। ठीक है सर, आपके सामने है 15-20 चाय के कप्स और इसमें से एक कप है फेक कप। क्या आप गेस, मैं भी नहीं कर सकता इतना डिफिकल्ट है, क्या आप गेस कर सकते हो कि इसमें से फेक कप कौन सा है? चलो अब भी करते हैं। ये जो चाय है इसको ऐसे इस थाली को हिलाओ तो सब चाय हिलती है। अब जो चाय हिलती नहीं वही नकली है। सर वापस एक बार जीत गए यार, मेरे को नहीं लगता कि आज मैं छूटने वाला हूँ। बिल्कुल भी नहीं। तू खुश क्यों हो रही है, 10 साल की फांसी की सजा तेरे को समझता है? सर एक काम कर दो, हम दोनों को एक साथ जेल में डालो। इसको क्यों बिचारी को? तेरे को नहीं आना, प्रैंक तो तुमने किया है। बहुत मस्ती करती है। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बड़ी सीधी लड़की है ये। हाँ सर आई नो, बहुत सीधी लड़की है। चाबी लेके क्या करोगे? सीरियसली लग रहा है आप चीटिंग कर रहे हो? तो भैया ऐसी थोड़ी ऐसी भी बने। मेरे पास ना आपके लिए गेमिंग चैलेंज है, आप गेमिंग चैलेंज कर ही नहीं पाओगे। चलो आपने कभी गेम्स खेले सर? नहीं जरूरी नहीं, आपसे ऐसे गेम्स खेलवाऊंगा वो जमेगा ही नहीं पक्का। देखते हैं, लेट्स गो सर। ओके सर अभी है आपका आखिरी चैलेंज। ओके इतने सालों में आपने इतने सारे चोरों को पकड़ा है, आप पुलिस बन के चोरों के पीछे भागे थे, लेकिन क्या होगा अगर पुलिस आपके पीछे भागी? तो पुलिस मेरे पीछे भागी तो? यस सर। कभी हाथ नहीं लगता एसीपी किसी के। आज हम लोग खेलने वाले हैं GTFI पुलिस एस्केप। आपको कुछ नहीं करने का, आपके पीछे पुलिस लगेगी, आपको बस एस्केप करने का है। चलो अगर आपने एस्केप किया तो आपको मिलेगा वो सरप्राइज। ओके करना मत, आराम से सर, सर इतना मत सर, लेफ्ट आराम से सर। आप सर सामने से पुलिस आ रही है तो आपको राइट टर्न लेने का। चलो चलो सर सिग्नल फॉलो नहीं करने का तो इस गेम में, लेफ्ट लो। मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ सर। सर
सर अभी आपको अरेस्ट करेंगे। अरे यार अभी सर स्ट्रेट जाओगे ना ये, हाँ, ये कुछ पुलिस वाला बेचारा मर गया वो। एक्सीलेटर दो बस, आप एक्सीलेटर दो, मैं हूँ ना। ये क्या एक्सीलेटर दबाया ना सर, सर सर मैं हूँ ना, आप टेंशन मत लो सर। मिथिलेश मैंने तो, अरे बाप रे सर पीछे ब्रेक फेल है, नहीं चल रहा है सर। हाँ अरे ब्रेक में रिवर्स जा रही है गाड़ी, स्ट्रेट जाना फिर हो जाएगा। फुटपाथ क्लियर है, फुटपाथ से जाते नहीं सर। देखा ऐसे लगता है जब आप अपराधियों को पकड़ते हो ना, ऐसे लगता है सेम। ये पुलिस वाले ने ना पीछा नहीं छोड़ते देखा। एग्जैक्टली सर, पुलिस वाले पीछा छोड़ते नहीं है। ऑलमोस्ट देयर, निकल गए ऑलमोस्ट। नहीं 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 है थोड़ी सी पुलिस, अभी निकल जाएगी। यस ए बाय माय गॉड, पहली बार पुलिस आपके पीछे लगी थी, कैसा लगा आपको? बहुत मजा आ गया पुलिस से बचते बचते। सभी के सभी गेम्स में आप पास हो गए हो सक्सेसफुली, तो सर इट इज सरप्राइज टाइम फाइनली। मैं बहुत एक्साइटेड सरप्राइज दिखाने के लिए। क्या बात है, चलो सर। सरप्राइज इस दरवाजे के पीछे। अरे लेकिन दरवाजे का तो हैंडल ही नहीं है, तो फिर खोले कैसे इसे? सर दरवाजा खोलने के लिए हैंडल थोड़ी लगता है, आपको बस वो 3 जादुई शब्द बोलने। अच्छा यस सर, बोलिए। कान तरस रहे, मिसपैक दरवाजा तोड़ दो। यस सर। सर थोड़ा सा फ्लॉप हो गया लेकिन कोई बात नहीं, दरवाजा टूट गया सर। बिल्कुल सर आ जाओ। अरे कमाल है, क्या है क्या सर? टू द ऑनर्स। हाँ। सर आपको बहुत पसंद आने वाला। अच्छा 1 2 3 माय गॉड, अरे ये तो कमाल है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मगर इसमें तो कोई गड़बड़ है ही नहीं। बहुत खूबसूरत है, वाह। पर इसमें एक ट्विस्ट है सर, जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। वो क्या? सर ये बटन दबाओ। ये बटन दबाओ? घुमाइए। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ऐसा लग रहा है कि एक सपना सच हो गया है। ऐसे रात को एक दिन सपना देखा था कि सर एक दिन मेरे गेमिंग सेटअप में बैठेंगे और गेम्स खेलेंगे, GTA 5 पुलिस एस्केप मैंने इमेजिन किया था और आज वो सच हो गया। थैंक यू सो मच। अरे कमाल का गेम है वो, और वैसे सबसे कमाल तो ये है। सर आप प्लीज उनको बोल दो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को, नहीं तो आप अरेस्ट कर दोगे, बता दो फिर करेंगे। अच्छा हाँ सर। नहीं नहीं वैसे तो अरेस्ट करूंगा, ये डराने वाली बात होगी, लेकिन कुछ नहीं, बड़े प्यार से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मिथ पैक को।